डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई के तत्वावधान में इनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से साहित्यकार और कहानीकारों ने उपस्थित होकर उनके द्वारा रचित कहानियों और कविताओं का पाठ कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरा पर हर प्रकार के हीरे विराजमान है। इनमें से एक नाम डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का भी है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जन्म लेकर साहित्य को अपना साथी बनाया और अपने लेखनी के जरिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के लिखे साहित्य से युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक बताते हैं। इन्हीं की जयंती मनाने के लिए डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसने पूरे प्रदेश भर के साहित्यकार, कहानीकार और कविताकारों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। संगोष्ठी में डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की गई और उनके लिखे साहित्य का वाचन करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कमंड बोल रहा है कि सही में मेरा बेटा, उनके मन में एक पदड़ने की स्थिति थी कि मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा। उनको डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर की प्रसन्न मुद्रा को देख कर वो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।